हेलो एंड वेलकम मेरे दोस्तों। आज जो मैं लेके आया हूँ वो है फ्रेंच फ्राइज़। इसे बनाना बहुत ही आसान है, जैसे मैंने बनाया है इसी तरीके से आप बनाइएगा। तो इसके लिए मैंने दो बड़े आलू लिए हैं, उनको इस तरीके से लंबा एकदम फ्रेंच फ्राइज शेप में इसको काट लिया है। और इसमें जो है हमारा मैदा लगेगा 1 चम्मच बड़ा, और चावल काटा 1 चम्मच बड़ा, आधा चम्मच जो है लाल मिर्च कश्मीरी है, नमक स्वाद अनुसार, चाट मसाला है, ये हमारा इसके अंदर रहेगा। तो हम इसको मिक्स कर लेंगे एक साथ में, और मिक्स करके हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, करीब आधा घंटे के लिए, जिससे हमारा ये बैटर भी इसके साथ में सही हो जाएगा। पानी हमें मिलाना नहीं है, बिना पानी के ये रहेगा, क्योंकि आलू अपना भी पानी छोड़ता है। तो ये देखिए हमारा मिक्स हो गया है। अब इसको हम रख देते हैं साइड पे, साइड पर रख देंगे इसको आधा घंटे के करीब के लिए, तो ये हमारा बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद हम अपनी कढ़ाई चढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों, अब हमने अपनी कढ़ाई चढ़ा ली है, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब इसके अंदर हम ऑयल डाल देते हैं। ऑयल हमारा जैसे गर्म होगा बढ़िया, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा क्योंकि हमें फ्राई करना है। हम सारी अपनी फ्रेंच फ्राइज जो है, जो हमने मैरिनेट करके रखा था बढ़िया, उसको हम इसके अंदर मिला देंगे, और इसको बढ़िया चलाते रहेंगे। सारा हम एक साथ डाल देंगे और इसको चलाते रहेंगे। 2-3 मिनट लगेंगे, 4 मिनट, और ये हमारा बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसको चलाते रहिए, चलाते रहना ज़रूरी है, नहीं तो ये एक साइड से होगा, दूसरी तरफ से जल जाएगा। तो चलाते रहेंगे तो हमारा जैसे गोल्डन कलर होता है, अब ये देखिए हमारा कलर चेंज होने लग गया है, 2-3 मिनट हो गया है चलाते चलाते, ये देखिए कितना अच्छा कलर हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में अलग, और सारा का सारा मैं निकाल लेता हूँ, फिर मैं सर्व करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। अब मैंने इसके साथ में चिली सॉस भी रखा है, धनिया की पत्ती थोड़ी सी डाल दी है। तो इसी तरीके से आप बनाएं और मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए इजाज़त, टाटा बाय बाय।